दिल्ली में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट और अविनाश पांडे के बीच कांग्रेस वॉर रूम में लोकसभा प्रत्याशियों पर मंथन किया गया। शाम 5 बजे होने वाली सीईसी की बैठक से पहले सीएम गहलोत की अध्यक्षता में मंत्रणा की गई। आपको बता दें कि 5 बजे कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है, जिसमें सहमति बनने के बाद कांग्रेस पहली सूची जारी कर सकती है। पांच बजे सीईसी की अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस का महामंथन दिल्ली में, और कयास लगाए जा रहे हैं कि सूची जारी कर सकती है आज कांग्रेस। आपको बता दें कि सीएम गहलोत सहित डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद हैं, और साथ ही अविनाश पांडे भी बैठक में मौजूद हैं। 5 बजे अहम बैठक होनी है सीईसी की, जिसके लिए सभी कयास लगा रहे हैं कि आज लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है कांग्रेस। दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन लगातार जारी है, प्रत्याशियों के नाम पर मंत्रणा की जा रही है। सीएम गहलोत, डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी इस बैठक में मौजूद होने वाले हैं। 5 बजे ये अहम बैठक होगी, जिसके बाद लिस्ट जारी की जा सकती है कांग्रेस की तरफ से। दिल्ली में कांग्रेस का महामंथन प्रत्याशियों के नाम पर जारी है, और इसी खबर पर विस्तार से जानकारी के लिए A1 संवाददाता प्रीत किरण फोन लाइन पर जुड़ रही है हमारे साथ। जी प्रीत, बताएं। जी लवीना, आज कांग्रेस वॉर रूम में राजस्थान को लेके अहम बैठक हुई। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बैठक में मौजूद रहे, साथ ही सचिन पायलट और प्रभारी अविनाश पांडे थे। इसके साथ ही जो सचिव रह चुके हैं राजस्थान को लेके, काजी निजामुद्दीन, अब जो कि वेणुगोपाल के अब सह उनके असिस्टेंट के तौर पे नियुक्त किए गए हैं, उनको भी बुलाया गया इस बैठक में फीडबैक लेने के लिए। और अब जबकि ये बैठक खत्म हो गई है, इसके बाद अब 5 बजे सोनिया गांधी की आवाज पर सीईसी बैठक होगी, और उस बैठक में जो अंतिम जो दौर की जो चर्चा हो चुकी है, जो कि अभी कांग्रेस वॉर रूम में हुई, उस बैठक में चर्चा करने के बाद देर रात तक ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि 7 से 8 बजे पहली सूची जारी हो जा सकती है राजस्थान को लेकर। जी जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।